हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है फार्मेसी से, और जिसमें कि है सारकोट्स और इम्पोंडेरेबिलिया। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि सारकोट्स होते क्या हैं और इम्पोंडेरेबिलिया क्या होता है, और इसके कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और इसका सोर्स क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी ज़्यादातर होम्योपैथिक एग्जाम्स में आते हैं कि सोर्स क्या है सारकोट का, या फिर उसके ड्रग का नाम क्या है, तो ये इसका सोर्स क्या होगा। इस तरह से दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं कि सारकोट्स क्या होते हैं। सारकोट जो होता है, वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्लैशी। और सारकोट जो होता है, प्रिपरेशन होती है हेल्दी एनिमल टिश्यू की और सिक्रीशन की। जैसे कि नोसोट डिजीज्ड टिश्यूज की वो होती है प्रिपरेशन, उसी तरह से सारकोट होती है हेल्दी एनिमल टिश्यू की, हेल्दी एनिमल टिश्यू की प्रिपरेशन और सिक्रीशंस। क्लासिफिकेशन करते हैं हम सारकोट फ्रॉम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उनमें सबसे पहले आता है पिट्यूटरिनम पोस्टीरियोरम, और ये इसका सोर्स क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ शीप, शीप से। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के हैं ये सारकोट। थायरॉयडिनम ग्लैंडुला थायरॉयडिया, इसका है हेल्दी थायरॉयड टिश्यू ऑफ शीप और काफ। ठीक है, शीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है इसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड के सारकोट्स में। सारकोट फ्रॉम हेल्दी सिक्रीशन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, एड्रिनलम इसका क्या है, हॉर्मोनल सिक्रीशन ऑफ मेड्यूला ऑफ सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होती है, रीनल के ऊपर यानी कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और इससे बनता है एड्रिनलम। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन ट्रॉपिनम मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ पिग, ये पिग से बनाया जाता है। उसके बाद आता है कॉर्टिसोनम, ये होता है स्टीरोइड हार्मोन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ मैन। ये कॉर्टिसोनम एक मेल हार्मोन होता है जिसको कि मेल में पाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमंस में, स्पेशली मेल्स में। तो ये होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ मैन में। देन आता है इंसुलिनम, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियास। इंसुलिन किस में बनती है, पेनक्रियास में, और इसमें ही ये पाया जाता है बीटा सेल्स में, क्योंकि पेनक्रियास में जो अलग अलग हॉर्मोन्स निकलते हैं उनमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, तो इस तरह से ये होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियास। उसके बाद आता है पेप्सिनम, पेप्सिनम जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ शीप ऑफ काफ का होता है। ठीक है, इसका सारकोड है ये पेप्सिन, एक हमारा एंजाइम होता है जो ह्यूमन बींग्स में भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में रिलीज होता है। उसके बाद आते हैं सारकोड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, और काइटेनम यानी कि टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है ये, यूफोरिनम ओवेरियन एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, और काइटिस होता है ना मेल्स में, इसीलिए इसको टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है। और पेनक्रेटाइटनम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ ऑक्स में। हिपोमेन्स है मेकोनियम डिपॉजिट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड टेकन फ्रॉम कॉल्ट, कॉल्ट का मेकोनियम डिपॉजिट है, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूड होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो स्टे करता है, और उसमें अगर मेकोनियम हो जाए यानी कि बच्चा स्टूल पास कर दे तो उसको कहते हैं हम ये मेकोनियम, और जब ये डिपोजिशन वाला होता है कॉल्ट में उसको कहते हैं हम हिपोमेंस। उसके बाद आता है मॉस्कस, मॉस्कस एक होम्योपैथिक बहुत कॉमन रेमेडी है, इसका एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम प्रीप्यूटियल सैक ऑफ बीवर। ठीक है, देन आता है कोलेस्ट्रिनम अदर सारकोट्स में, स्वान प्रिपेयर दिस रेमेडी यूजिंग गॉल स्टोन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि HCLN नोसोट्स में दिया गया था, और ये दिया था गॉल स्टोन के लिए एक रेमेडी यूज होती है। कोलेस्ट्रीन द अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल फर्निश्ड बाय एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लार्जर ड्रग्स। ठीक है, इसका एक्टिव प्रिंसिपल ये होता है जिससे ये बनती है। देन अदर सारकोट्स में आते हैं फेल्टोरी फ्रेश ऑक्स गॉल। ठीक है, और उसके बाद आता है वल्पिस फेल फ्रेश फॉक्स गॉल, ये सब याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये और कोई इसका वो नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके सोर्स ड्रग पूछे जा सकते हैं MCQs में भी, और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह के आ जाते हैं कि सारकोट्स बताओ इस तरह के, और या फिर मेल और फीमेल बताओ सारकोट्स, तो ये याद करने पड़ेंगे। वल्पिस हिपार होता है फ्रेश फ्लीवर ऑफ फॉक्स,
वल्पिस पल्मो होता है फ्रेश लंग ऑफ वॉल्फ और ऑक्स। पल्मो यानी कि लंग्स, पल्मोनरी होता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में होती है ये सब। तो इस तरह से ये लंग से रिलेटेड है, तो फ्रेश लंग ऑफ वॉल्फ और ऑक्स। कॉर्पस ल्यूटियम ओवेरीज ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है एग होता है एक तरह से, जब प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल उसमें होता है ये। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या है, लैक एंड डॉग्स मिल्क, लैक फिलाइनम, कैट्स मिल्क, लैक वैक्सिनम, काउस मिल्क, लैक डिफ्लोरेटम, स्किम्ड काउस मिल्क, ठीक है, ये सारे मिल्क से रिलेटेड हैं। लैक वैक्सिनम मिल्क कर्ड, लैक वैक्सिनम कोएगुलेटम मीन्स मिल्क कर्ड, लैक वैक्सीन फ्लॉक मीन्स मिल्क क्रीम, कॉस्माइस मिल्क मीन्स फर्मेंटेड एस। अब आते हैं इम्पोंडेरेबिलिया का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस दैट इज नॉट वेबल इन मटेरियल पावर और एनर्जी। ये एक तरह की एनर्जी होती है, इमेटेरियल होती है, इसको हम कोई आकार नहीं दे सकते। डॉक्टर हैनीमन डिस्क्राइब अबाउट इम्पोंडेरेबिलिया में जाओ इन अफोरिज्म नंबर 280। 280 में आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेचुरल इम्पोंडेरेबिलिया ड्रग क्या होते हैं, मैग्नेटिस पॉलिस एम्बो द मैग्नेट, मैग्नेटिस पॉलिस आर्टिकस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिस पॉलिस ऑस्ट्रियस मीन्स साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ल्यूना मीन्स फुल मून, सोल मीन्स सनसरे, देन इलेक्ट्रिसिटास मीन इलेक्ट्रिसिटी, रेडियम ब्रोम मीन्स रेडियम ब्रोमाइड, मैग्नेटिस आर्टिफिशियलिस मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक्सरे इज एक्सरे। So if you want more videos related to pharmacy, you can subscribe my channel and